सो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्टकॉइन, क्रिप्टो, बिटकॉइन, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था अबाउट द अल्टकॉइन सीजन। फिल वक्त में जो मार्केट के हालात है, मार्केट के कंडीशन है, जो हिसाब से हर चीज़ एकदम बेहतरीन है, जैसे इथेरियम का आपने यहाँ पर टारगेट्स देखा था, मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था। जिन लोगों ने भी इथेरियम को जिस टाइम मैंने पोस्ट किया था आज से एक साल पहले, जिन्होंने $90 पे बाय किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो आज 10x प्रॉफिट में चल रहा है। मैंने जो 4 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था इथेरियम का टारगेट, वो भी पूरी तरीके से हिट हो चुका है। काफ़ी कुछ यहाँ पर बात होने वाली है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। इतना ही बोलना चाहूँगा, इस डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फटाफट पहले जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस रहेंगे, सारा का सारा डिटेल आपको नीचे लिंक है, उसको तुरंत ज्वाइन करो, सारा डिटेल आपको टेलीग्राम में मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, स्पेशली बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और हर चीज़ के लिए। इतना ही बोलूंगा, आज आप में जितना दम है उतने ज़्यादा लाइक्स हिट करके बताओ। मुझे देखना है कि आप कितने ज़्यादा लाइक्स को हिट करवा सकते हो, 500, 1000, 2000, जितना आप में दम है उतना ज़्यादा लाइक हिट करो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके लिए उन कॉइन्स को लाने वाला हूँ जो कि अब बिल्कुल सतोशी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम देखेंगे बारीकी से बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस। सबसे पहला बिटकॉइन को हम देखने की कोशिश करेंगे, भाई बिटकॉइन क्या बता रहा है, क्या लग रहा है बिटकॉइन को देखते हुए। सबसे पहले वो चीज़ हम थोड़ा सा गौर करें, क्या करेक्शन बन सकता है बिटकॉइन के अंदर, उस चीज़ पे भी यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये एक पैटर्न नहीं है, लेकिन मार्केट हर टाइम इस ट्रेंड लाइन को, कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है, और मार्केट टेस्ट करने के बाद इसको होल्ड कर रहा है। मतलब मुझे पर्सनली एस्टिमेशन यहाँ पर ये लग रहा है कि जो हमारा कैंडल है, मंथली कैंडल, जो हमारा टारगेट था फिबोनाची 1.618 का, मुझे ऐसा लगता है कि वीकली कैंडल में भी शायद पुल बैक ले सकता है। एटलीस्ट अगर मार्केट, चलो ये मार्केट करेक्शन अगर करता है, और करेक्शन करने के बाद अगर मार्केट $30,600 को होल्ड करता है, तो इट मींस कि मार्केट वापस हाई जाएगा, जो कि हमको फिल करंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर अगर मान के चलो कि मार्केट उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो चांसेस है कि बिटकॉइन फिर और भी ज्यादा करेक्टिव फेस में यहां पर जा सकता है नीचे, एटलीस्ट $20,000 में। अब करेक्शन फेस यहां पर मेरे हिसाब से मल्टीपल बनेंगे, एक तो है आपका $20,000 और एक तो है आपका $14,000। देखिए, ये सब बेस है कि जब मार्केट कितने टाइम तक $30,000 के अबव होल्ड करता है, जितना लॉन्ग टर्म वो होल्ड करेगा उतना हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा कि यस मार्केट इसको होल्ड कर, लेकिन जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, डाउन जाता है, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकल जो करेक्शन के है वो हो जाएंगे चेंज। तो फिल वक्त में मल्टीपल मैं समझता हूँ एरिया ऑफ लेवल्स है जहाँ पर आप करेक्शन अगर मार्केट को होना है। मेन चीज़ है, जब तक मार्केट 30 के अबव है तब तक तो हम एस्टिमेशन यही रखेंगे कि यस मार्केट स्टिल होल्डिंग दैट लेवल, बट जब भी मार्केट 30,000 के बिलो चल जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ मार्केट हैवी करेक्शन। अब हैवी करेक्शन जो होगा वो दो सिनेरियो से, एक तो है कि मार्केट पिछला जो सपोर्ट रेजिस्टेंट है 19,200 या राउंड फिगर के लिए उसको हम 20,000 पकड़ के चल लिए, क्या 20,000 का लेवल है उसको मार्केट कहेंगे रीटेस्ट पुल बैक, और एक हो सकता है $14,000 को मार्केट कर सकता है पुल बैक। तो फिल वक्त में ये दो करेक्शन लेवल है बिटकॉइन के हद तक। देखिए, बिटकॉइन का करेक्शन लेना एक अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिटकॉइन करेक्शन लेगा तभी तो अल्टकॉइन अप जाएंगे, क्योंकि अगर सीधा सीधा मार्केट, मान के चलो बिटकॉइन एक्सपर्ट के हिसाब से जो प्रिडिक्शन है $50,000 या $1,00,000, तो अगर मार्केट सीधा सीधा जाएगा तो अल्टकॉइन तो जीरो हो जाएंगे। तो इसी बात है, बिटकॉइन को स्टेबल होना, बिटकॉइन में करेक्शन बनना एक हेल्दी चीज़ है पूरे क्रिप्टोकरेंसी अल्टकॉइन सीजन के लिए भी मैं बात करूंगा, और आपके अदर टोकन्स के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मेन चीज़ तो फिल वक्त में यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि यस यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहे, और अदर चीज़ जो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टोटल मार्केट कैप, जो आपका टोटल मार्केट कैप था, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, टोटल मार्केट कैप का जो कंसेप्ट था वो ऑलमोस्ट काफ़ी, मतलब काफ़ी हेल्दी तरीके से ब्रेकआउट किया है, जो कि एक एक हमारा एस्टिमेशन है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट अभी एक न्यू साइकिलिंग फेस में मूवमेंट ले रहा है। देखिए, जो पिछला ऑल टाइम हाई था टोटल मार्केट कैप का, मार्केट ने इजीली उसको ब्रेक कर दिया है, $900 बिलियन पर मार्केट जा चुका है। मैं समझता हूँ हम बहुत ज़्यादा करीब है जब हमारा टोटल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन को हिट करेगा, और मैं आपको, अगर आपको याद है आज से कुछ साल पहले मैंने बोला था कि टोटल मार्केट कैप लगभग $1.5 ट्रिलियन का बनेगा,
मुझे नहीं पता आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा है। मेरा एस्टिमेशन जो उस टाइम था वो अभी भी बिल्कुल क्लियर है कि टोटल मार्केट कैप एज पर द करंट टारगेट के हिसाब से $1.5 ट्रिलियन तक हिट करने वाला है। और अगर मान के चलो ये $1.5 ट्रिलियन का होता है तो फिर आपका अल्टकॉइन मार्केट कैप का क्या होगा? मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इसको $1.5 ट्रिलियन को देख रहे हैं तो अल्टकॉइन मार्केट कैप कितने तक जा सकता है? देखिए बड़ा मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, काफ़ी लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट है कि भाई अगर ये चीज़ इतना हिट करेगा, जैसे कि लास्ट अमाउंट ऑल टाइम है कि अगर हम बात करें तो $554 बिलियन का आपका अल्टकॉइन मार्केट कैप था। एस्टिमेशन करते हैं कि अगर ये हिट करता है, यहाँ पर ये सॉसर बनाए, कप एंड हैंडल बनाए, कुछ भी बनाए, टारगेट तो हम सबका सेम रहेगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो एटलीस्ट अल्टकॉइन मार्केट कैप देखने को मिल रहा है $1 ट्रिलियन का। इट मीन्स कि यहाँ पर करंट जो सिनेरियो है, अगर हम करंट हाई प्राइस से ही बात करें तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ 226% का मार्केट कैप में इंक्रीज देखने को मिल सकता है एक हिसाब से अगर हम बात करें तो। देखिए सिंपल सी चीज़ है, बिटकॉइन हर, अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की यहाँ पर बात करूँ, मैं आपको यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का भी बता देता हूँ, तो पिछले टाइम का बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ या इस टाइम की बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूँ, तो आप एक हिसाब से देख सकते हैं कि पॉजिटिव है ये भी और हायर लेवल पे जाने के स्टार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि सीधा सीधा आपका मार्केट हायर ही जाएगा तो फिर उसके अंदर हमको ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल या ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं बनने वाला है। तो अल्टकॉइन सीजन आएगा और मैं समझता हूँ कि हम उस फेज में आ चुके अभी। अल्टकॉइन के अंदर जो ज़्यादा चांसेस हैं, पहले मेजर अल्टकॉइन की मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक जो सिनेरियो फिल वक्त मेरे को देखने को मिल रहा है वो बन रहा है क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको मार्केट जितने तेजी से ब्रेकअप करेगा उतने ही अच्छे तरीके से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि अल्टकॉइन सीजन यहाँ पर कितना हाई जाएगा या नहीं। दो सिनेरियो यहाँ पर बन रहे, एक तो है कि भाई हाँ यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ठीक है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, टाइम ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। अगर मान के चलो ये करंट जो फेस, करंट जो पैटर्न बना है जिसको हम कहते हैं कि ये एडम और ईव पैटर्न है, अगर ये एडम और ईव पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपका जो अगला टारगेट है वो पिछला जो ऑल टाइम हाई है, मार्केट वहां पर इजीली हिट कर लेगा। मैं दोबारा कैलकुलेशन को रिपीट करवाता हूं कि अगर मार्केट पिछला ऑल टाइम हाई, यानी अल्टकॉइन मार्केट कैप अगर पिछले ऑल टाइम हाई को हिट करता है, तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि सारे अल्टकॉइन पिछले ऑल टाइम हाई को हिट करेंगे। अगर पिछले ऑल टाइम हाई के करीब अल्टकॉइन हिट कर सकते हैं तो आप क्या चीज़ का वेट कर रहे हो? आप सबसे इतना ही बोलूंगा कि न्यू टारगेट बनाओ, कम से कम 500-600 लाइक्स इस वीडियो पे दिखना चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ शेयर्स और हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स इस वीडियो पे दिखना चाहिए, तभी इस वीडियो का असल मजा स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अल्टकॉइन सीजन स्टार्ट हो रहा है लेकिन बहुत से लोगों का सीजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। फटाफट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इतना ही बोलूंगा, फिलहाल आने वाले वीडियोस में आपको मैं हर एक चीज डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कौन से अल्टकॉइन को परचेस करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी मैंने काफी मंथ्स पहले से स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो अल्टकॉइन के बारे में, मैंने काफी अल्टकॉइन, हमने बिल्कुल एक सिर्फ एक कॉइन बचा जो कि फिल वक्त में हम प्रॉफिट में नहीं चल रहे, वो है रिपल। मैं समझता हूं हम नहीं, पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री फिलहाल प्रॉफिट पे नहीं चल रहा, वो सिर्फ रिपल ही है। बाकी अदर जितने भी 4 महीने पहले का वीडियो था, आपका IOST कॉइन का वीडियो था, नियो कॉइन का वीडियो था, हर एक कॉइन हम बॉटम पे बाय किए हुए और कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हम चल रहे। स्पेशली अगर मैं मेजर कॉइन्स की बात करूँ तो हम उसके अंदर एक हेल्दी और एक अपग्रेडिंग प्रॉफिट में चल रहे। देखिए क्लियर कट कन्फर्मेशन है मेरा क्या मार्केट कैप और टोटल मार्केट कैप के अलावा अल्टकॉइन मार्केट कैप आपका काफ़ी हायर लेवल पे जाने वाला है। इतना ही बोलूंगा, अल्टकॉइन काफी टाइम से होल्ड कर रहे हो, होल्ड करो, ऑल टाइम हाई पर भी सेल मत करो, न्यू ऑल टाइम हाई पर सेल करो। न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा, 100% बनेगा, उस टाइम उसको सेल करो, उसके अंदर आपको बहुत हेल्दी बेनिफिट मिल सकता है। आपके रिलेटेड मैं इथेरियम काफी लोगों का पूछ रहे थे, एक शॉर्ट एनालिसिस करके बताऊंगा इथेरियम कहां पर जा सकता है आने वाले टाइम पर। काफी ज्यादा हैवी और एक पैराबोलिक मूवमेंट फिल वक्त में मैं कहूंगा यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि इथेरियम का असल पैराबोलिक मूवमेंट जो स्टार्ट होगा डॉलर वैल्यू के हिसाब से वो स्टार्ट होगा आफ्टर पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब तक पिछला ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो हम उसके अंदर कोई भी एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। लेकिन यस, अगर यहाँ पर कूपन हैंडल बने, सॉसर बने, जो भी बने, कुछ भी बने, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब जाएगा, पर्सनल एस्टिमेशन टारगेट यहाँ पर फिलहाल एज पर टेक्निकल कंसेप्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है $2,700। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो लोग मेरे को पूछ रहे सर कहाँ पर सेल करूँ,
तो आप टारगेट यहां पर एस्टिमेशन रख सकते हो $2,700 के करीब का। फिब लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वही है कि पहला 2,300, और मेरा जो सबसे जहां पर मुझे लगता है कि यस मार्केट कैन हिट दैट लेवल वो है 3,500 लेवल, यानी $3,500 का लेवल। पता नहीं कितना टाइम लेंगे उसको हिट करने के लिए, लेकिन यस मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट उस लेवल पर हिट करेगा। तो आपको अगर सेल करना है आप ऑल टाइम हाई पे निकलो, बट मैं अगर सेल करने की कोशिश करूंगा या अगर मैं एक लॉन्ग टर्म टारगेट देख रहा हूं तो मैं बिटकॉइन के देखते हुए अपने टारगेट को मैं इंक्रीज करूंगा। जैसे कि मेरा अभी फिल वक्त का ये है कि अगर बिटकॉइन मान के चलो यहां से $50,000 या $1,00,000 जाता है तो मैं अपना टारगेट को कर दूंगा इंक्रीज। अगर मान के ये चलो कि बिटकॉइन अगर $50,000 जाता है, लेट्स से एजम्पशन करो कि मैं बिटकॉइन का आपको चार्ट यहां पर बताता हूं बिटकॉइन डॉलर के हिसाब से, कि अगर मान के ये चलो कि बिटकॉइन डॉलर चार्ट जो है करेक्शन के बाद या जो भी बोलो इस अल्टकॉइन सीजन के अंदर मार्केट कैप जाता है आपका कितना नियर है, आपका बिटकॉइन जाता है 47,000 या $50,000, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इथेरियम को उस टाइम कहां पर सेल करूंगा। देखिए टोटली मार्केट जो डिपेंड है ना वो डिपेंड है बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन क्या सिनेरियो कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन 50,000 जाता है तो मैं इथेरियम को सेल करूंगा नियरेस्ट $3,600 या $3,500 पे। अगर बिटकॉइन $1,00,000 जाता है तो मैं इथेरियम को $10,000 पे सेल करूंगा। तो बेसिकली हर चीज हर मार्केट डिपेंड है बिटकॉइन के ऊपर। तो इतना ही बोलूंगा कि अगर बहुत से कॉइन जैसे कि इथेरियम मैं समझता हूँ $1,100 चल रहा है और कुछ ही टाइम के अंदर या कुछ दिन के अंदर मुझे लगता है पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर देगा। अगर पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर भी देगा तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन अगर क्या शो कर रहा है, अगर मान के चलो बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन फेज में चला जाता है $19,000 या $14,000 पे, तो फिर मैं बिटकॉइन एथेरियम को एग्जिट करने की कोशिश करूंगा लगभग एक तो है $2,300 और एक है आपका $2,700 के करीब का, क्योंकि मल्टीपल है, डिपेंड है बिटकॉइन क्या शो कर रहा है। एक जो कंसेप्ट फिल वक्त में मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो यही है कि भाई जो 2017 में हुआ था ये वैसा नहीं होने वाला है, ये उससे बढ़कर होने वाला है। तो मैं फिल वक्त में जो 2013 में यहाँ पर जिन लोगों ने मतलब जो बॉटम में बाय किया हुआ है 2013 में 14 में जो लोगों ने बाय किया, तो मैं ऐसा समझ रही कि ये जो टाइम है फिलहाल 2013 के जैसे 2013 के बाद मार्केट एक लंबा जंप लिया था। मुझे लगता है कि ये जो डेकेड है क्रिप्टो के लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाला है क्रिप्टो होल्डर के लिए। बहुत से कॉइन्स आएंगे, बहुत से कॉइन्स मैं अपडेट दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कमेंट और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम में हमारे वीडियो रैंक करें और जो लोग बिल्कुल न्यू है उनके लिए हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पर्सनली कोई कॉमेंट से आपके कॉइन्स से जो भी सजेशन है कॉमेंट भर दो यार, कॉमेंट बॉक्स से फुल भर दो, यहाँ से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं जिस इसका वेट कर रहा था सतोशी के मुकाबले मुझे लग रहा है कि वो चांस फिल वक्त में आ चुका है। कोशिश यही करूंगा कि आपको हर चीज़ पर बारीकी से अपडेट दूँ। अल्टकॉइन मार्केट कैप लास्ट जो मूवमेंट एक अपडेट देना है वो यही कि भाई मार्केट इस लेवल को कब ब्रेकआउट करता है, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा उसी हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं और अल्टकॉइन कितना ज़्यादा हायर जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक चांसेस ये भी है कि मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक शोल्डर बना हुआ है, हेड बना हुआ है, नेक्स्ट शोल्डर बन सकते हैं। तो जो भी है आने वाले वीडियोस में अपडेट दूंगा, और जिस किसी को पर्सनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको स्क्रॉल हो रहा है, फटाफट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए वीडियो में इतना ही, जो भी सजेशन है जो भी कंसेप्ट है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।